एक नौजवान को लंगड़ाता चलता देखकर हड़ताल पर बैठे तीन डॉक्टर में से एक बोला, इसके टखने की हड्डी टूट गई है। दूसरा डॉक्टर बोला, नहीं, इसके पैर में रसौली है। तीसरा बोला, गलत, उसे बचपन में पोलियो हो गया था। इतने में वो नौजवान करीब पहुंचा और एक डॉक्टर ने उससे पूछा कि उसकी टांग को क्या हुआ है। नौजवान बोला, फाइन, मेरी जूती टूट गई है। लड़कियां कहती हैं हमारी अम्मियां जादूगरनियां हैं, तो जब भी अपनी चप्पलें उतारती हैं हम गायब हो जाती हैं। एक अमेरिकन ने मुझसे पूछा, तुम लोग कितने बहन भाई हो? मैंने कहा, चार। और तुम लोग? अमेरिकन, मेरा कोई भाई या बहन नहीं, लेकिन पहली अम्मी से चार अब्बू हैं और पहले अब्बू से छह अम्मियां हैं। बाबा जी ने अपने बेटे की तलाशी ली, जेब से नसवार, सिगरेट, चर्स और लड़की का नंबर बरामद हुआ। बाबा जी ने बेटे को बहुत मारा और पूछा, कब से कर रहे हो ये सब कुछ? बेटा रोता हुआ बोला, अब्बा जी, मैं तो ताड़ी कमीज पाई है। अब्बू, मैंने तो आपकी कमीज पहनी हुई है। बड़ा भाई काफी अरसे बाद गैर मुल्क से वापिस आया तो देखा मैं पौधा लगा रहा हूँ। बड़ा भाई, क्या कर रहे हो भाई? मैं बोला, भाईजान, परदेश जाने से पहले आपने मुझे दरख्त पर लड़की का नाम लिखते हुए पकड़ दिया था और कहा था कि अगर मोहब्बत में नाकाम हो जाओ तो दरख्तों पर लड़की का नाम लिखने की बजाय उस लड़की के नाम का एक दरख्त लगा दो। बड़ा भाई जोर से हंसा और बोला, अच्छा, कितने दरख्त लगा चुके हो? मैंने दुखी सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और बोला, वो जो सामने आड़ू का बाग है ना, वो आपके भाई का ही लगाया हुआ है। एक रेस्टोरेंट में खाना खत्म करने के बाद बीवी ने अपने शोहर से कहा, वेटर को टिप दें। शोहर ने वेटर को बुलाया और कहा, शादी ना करना।